एक सीईओ ने इंडिया दे विच एक जड़ी है दुकान ई कॉमर्स फर्म हैगी है जिसका नाम है दुकान। इससे जड़े सीईओ और फाउंडर ने सुमित शाह उन्होंने सोशल मीडिया ते यूजर्स का बहुत ज्यादा गुस्सा चलना पै रहा है क्योंकि उन्होंने क्या है कि 90% अपनी जड़ी कस्टमर केयर जड़ा क्र्यू है उसनु उन्होंने रिप्लेस कर दिता है AI दे नाल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे चैटबॉट दे नाल। और उन्होंने कहना सीगा कि इस दे नाल मैं 85% जड़ी है कॉस्ट अपनी घटा लीती है और इस करके मेरी कंपनी नू प्रॉफिट हो रहा है और बड़े खुशी दे नाल एक गल दसते पे ने। और उन्होंने जिस तरह ही ट्वीट किया अपने इस फैसले बारे बड़े खुशी दे नाल कि इस दे नाल मैं अपने बहुत सारे जड़ी है कॉस्ट भी घटा लीती है और मेरी कंपनी प्रॉफिट दे विच जाएगी। और उन्होंने क्या भी क्या कि रिस्पोंस टाइम जड़ा है वो 2 घंटिया तो घट के रह गया है, सिर्फ 3 मिनट वास्ते जो कोई कॉल करता तो पहले 2 घंटे वेट करनी पैंदी सी, हुण सिर्फ 3 मिनटां दे विच तुहाडी कॉल आंसर हो जाती है। और इस दे नाल नाल पहले जड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होंदी सी 12 घंटिया दे विच और हुण तुहाडी जड़ी प्रॉब्लम है बड़ी जल्दी सॉल्व हो रही है। पर इस नू बहुत लोगों ने जड़ा निंदिया है, उन्होंने कहना है कि तुसी किन्नी खुशी दे नाल गल दस रहे हो प्रोफिटेबिलिटी नू देखते हुए, पर वो जड़े लोग जिन्हां ने कस्टमर सर्विस राही जो गल करदे है वो एक परसनल टच होंदा है जो कोई उस दूसरे पास किसी ह्यूमन दे नाल गल की जाती है बजाय इसके कि तुसी आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस नाल गल करदे हो। और इसके नाल नाल कोई ह्यूमैनिटी इस दे विच नज़र नहीं आती कि जिन्हां लोगों ने इन्नी देर तुहाडे वास्ते काम किया है उन्हें इंपलॉइज नू तुसी एक आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस दे चैटबॉट रिप्लेस कर दियो जी। और जिहड़ा ये आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस का मामला है ये बड़ा सीरियस होंदा जा रहा है, लोगों दी जॉबा खतरे च ने क्योंकि उन्होंने थां दे उत्ते ये आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस जिहड़ी है टेक्नोलॉजी ये बड़ी तेजी दे नाल विकसित हो रही है और वह दिन दूर नहीं जदों लोग वेले हो जाएंगे और बहुते काम जिहड़े है वह रोबोट्स करन लग पैणगे, यह जी टेक्नोलॉजी राही बहुते कम होने लग पैणगे। तुसी जुड़े हुए हो रेडियो प्रोग्राम प्रवासी नाल, आओ कुछ होर खबरां इन्हां एक दो संदेशों तो बाद।